हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज, अगर आप जो Xiaomi या फिर पोको डिवाइस के यूज़र है, तो यार आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर गुड न्यूज़ है। क्योंकि गाइज, आप जो अपने फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हो, या फिर आप अपने फ़ोन को जो बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हो, तो ये एक ही परेशानी आप लोगों को सताती होगी, जो कि मन में ख्याल आता होगा कि भाई हमारे फ़ोन की वारंटी यहाँ पर चली जाएगी। और आप लोगों को पता है कि मैं जो अपने फ़ोन के ऊपर कोई भी मेरे पास जो भी फ़ोन होता है, मैं जो उसके ऊपर जो अपना बूट लोडर जो अनलॉक करता ही रहता हूँ। तो यहां पर देख सकते हैं मेरा ये जो Mi 11X है, और इसका भी बूट लोडर मेरा अनलॉक हो चुका है। इवन गाइज, मैं जितने भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, उन सभी का जो बूट लोडर अनलॉक कर देता हूँ। वैसे गाइज, जब मैंने ये फ़ोन लिया था, तो उस टाइम के ऊपर जो Xiaomi की तरफ से जो ऑफिशियली बताया गया था कि अगर आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करते हो, तो आपके फ़ोन की वारंटी चली जाएगी, ऐसा जो Xiaomi की तरफ से बताया गया था। आप जो बाद में क्लेम नहीं कर सकोगे, आपको डिवाइस की वारंटी चली जाएगी। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मैंने जो फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया था, बट गाइज फाइनली यहाँ पर जो है गुड न्यूज़ आ चुकी है। अगर आप Xiaomi या फिर Redmi या फिर आप जो बोल सकते हैं कि यार Xiaomi Poco डिवाइस के यूजर है, तो यहां पर एक ऑफिशियली जो है इनके तरफ से ट्वीट किया गया था Xiaomi इंडिया सपोर्ट की तरफ से। तो यहां पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूं। हाई, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट बाय जस्ट अनलॉकिंग द बूट लोडर योर डिवाइस वारंटी विल नॉट बी वॉइड। However, if the device crashes, breaks due to custom ROMs, the device will be serviced out of the warranty. We would strongly recommend you to continue use your device with MIUI. तो गाइज, आपको सिंपली मैं समझा दूँ, तो ये बोल रहा है कि अगर आप जो अपने फ़ोन का बूट लोडर अभी अनलॉक कर देते हो, तो यहाँ पर कोई भी आपकी डिवाइस की वारंटी वाइड नहीं होगी, आपकी वारंटी वैसी ही चलती रहेगी। बट हाँ गाइज, यहाँ पर अगर आप जो कुछ भी अपने फ़ोन के ऊपर जो स्लैशिंग वगैरह कस्टम रॉम्स करते रहते, उसके टाइम पे क्रैशेस हो और ब्रेक आपका डिवाइस हो जाता है, और यहां पर जो आपका फोन अटक जाता है, तो वहां पर आपकी वारंटी जो क्लेम नहीं होगी, ऐसा यहां पर साफ साफ बताया गया है। तो यहां पर रिकमेंड भी नीचे कर रहा है कि आप जो वैसे अपने MIUI के ऊपर रहेगा। तो गाइज, मुझे जो इसका एक ही मकसद लग रहा है, क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है कि अभी जो एंड्रॉयड 12 भी कुछ डिवाइसेस के लिए आ चुका है, जैसे कि Mi 11, Mi 11 अल्ट्रा, Mi 11i के लिए। तो यार उसके अंदर भी क्या सीन हो रहा है, कुछ लोगों को जो यार एंड्रॉयड 12 अपडेट करते टाइम जो ऑटोमेटिकली डिवाइस जो ब्रेक हो रहा है, हार्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए शायद से जो Xiaomi की तरफ से एक कदम उठाया गया है, उनको भी पता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं, उसके चलते यार बाद में डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यार सभी को जो है हम अपने सर्विस सेंटर में फ्री में सर्विस नहीं दे सकेंगे, तो इसको देखते हुए शायद से जो ये कदम उठाया गया होगा। क्योंकि यार पहले भी ऐसा चलता था कि पहले अभी आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते थे, बट उसके बाद जो यार ऑटोमेटिकली इनके तरफ से क्या इनके दिमाग में आया पता नहीं, उनके तरफ से बताया गया कि हम जो बूट लोडर अनलॉक करोगे, तो आपके वारंटी यहाँ पर क्लेम नहीं हो सकेगी, बाद में तो वारंटी चली जाएगी। बट फाइनली अभी जो है फिर से यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आ चुका है, और ये जो स्क्रीनशॉट ऑफिशियली ये गाइज है, तो आप जो उससे समझ सकते हैं। और इनका जो ऑफिशियल MIUI 12.5 का ग्रुप है, उसके ऊपर भी टेलीग्राम के ऊपर ये स्क्रीनशॉट आ चुका है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं Xiaomi क्या कर रहा है पता नहीं। लेकिन अब जो आप अपने फ़ोन को कोई भी अपडेट वगैरह करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार जो अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक करके रखिएगा, क्योंकि यार कभी भी जो यहां पर इशू आ सकता है Xiaomi के अपडेट के अंदर, अगर आप जो अपडेट करते रहते हो, तो बाद में कोई भी इशू आता है, तो आपको सिर्फ सर्विस सेंटर में जाकर ही ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो है बूट लोडर अनलॉक है, तो आप जो डायरेक्टली अपने घर से उसे ठीक कर सकते हैं। या फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप जो हमारे जैसे क्रिएटर यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर है, टेलीग्राम चैनल पे जितने भी यार यहां पर बंदे हैं, वो सभी जो ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि यार कोई भी अपडेट आते हैं, तो हम पहले चेक करते है, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं, तो हमारे चेक करने के बाद जो आप अपने फोन में उसे अपडेट कर सकते हैं। बाकी यार मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा। सो यार आई होप आप लोगों को ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यार अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर टिल देन एंड बाय बाय।